आज का हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है जब कॉस ए बराबर कॉस बी हो। तो दोस्तों, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे दिखाएंगे, चलिए इसको बता दें। यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज इस तरह बनाएंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री, तब ये समकोण त्रिभुज होगा। इसमें कोण का है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम इसको ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों कोण है ये न्यून कोण है, ये तो समकोण है। तो बाकी एक बच गया सी, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये जो दोनों कोण है न्यून कोण है और ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज भी हो गया। अब ये जो दिया है इसको यहाँ पे लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध करने के लिए कहा है कोण ए बराबर कोण बी होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आकृति में आते हैं, यहाँ पे लिखा आएगा आकृति में, आकृति यानी त्रिभुज ए बी सी में भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस ए का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉस ए बराबर, ऐसे तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, यानी आधार बटा कोण होता है, ठीक है। तो कोण ए है, तो इस कोण के लिए आएंगे, इस कोण के लिए सामने वाला तो पी हो जाएगा, ठीक है, और ये जो संलग्न भुजा है ये बी हो जाएगा, और ये तो एच है, ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस ए है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो इसमें ए के लिए, कोण ए के लिए आधार ए सी है, तो यहाँ पे ए सी लिखा जाएगा, बटा कोण सामने, ये कोण के सामने का भुजा कोण ए बी है, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, ये ए सी आधार है और ए बी कोण है, तो कॉस ए बराबर ए सी बटा ए बी हो जाएगा, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। तथा दूसरा भी निकालना होगा कॉस बी का, तो यहाँ पे लिखते हैं तथा कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर, ऐसे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच, तो वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे कोण है बी, तो बी कोण के लेंगे, ठीक है, बी के सामने वाला तो पी हो जाएगा, ठीक है, और ये जो संलग्न भुजा ये बी हो जाएगा, ये एच उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो कॉस बी बराबर लिखा जाएगा बी सी बटा ए बी, क्योंकि बी सी आधार है और ए बी हमारा कर्ण है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बटा ए बी, ये समीकरण दो हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए का मान ए सी बटा ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कॉस ए बराबर ए सी बटा ए बी, इधर बराबर कॉस बी है, तो कॉस बी का मान यहाँ पे है बी सी बटा ए बी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बी सी बटा ए बी। अब इस दोनों को देखते हैं, इस दोनों में बट्टा के नीचे यानी हर के स्थान पर ए बी है, इधर भी ए बी है, तो बराबर के दोनों साइड अगर हर का मान बराबर हो तो वह कट जाता है एक मरतबे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिर्फ ए सी बराबर बी सी, क्योंकि ए बी भाग द्वारा कट जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये लेते हैं, चूँकि ए सी बराबर बी सी है, इस त्रिभुज में देखेंगे ए सी कहाँ, ए सी यहाँ पे है और बी सी यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ ए सी है तो ए सी के सामने का कोण देखेंगे, चूँकि कोण हमको लाना है, तो ए सी के सामने का कोण ये कोण बी हो जाएगा, ठीक है, और बी सी के, ये बी सी है, बी सी के सामने का कोण ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण बी, और यहाँ बी सी है तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है,
सम्मुख कोण है, क्योंकि सामने का भुजा अगर बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। अब इसको हम कोण ए को पहले लिख लेते हैं और कोण बी को बाद में कर लेते हैं, तो यही तो लाना है। ये प्रूव हो गया, सत्यापन हो गया, दिखा दिए, तो इस तरह ये दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी सब दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को